आनंद तो यही परमात्मा की साक्षात्कार दर्शन है जी। हाँ, जो सर्वत्र व्यापक है परमात्मा, सब जगह के वासी है, सब जगह भरे परे पूरे हैं, भरे पूरे हैं। हाँ जी, तो यही दर्शन आनंद है जी, ये परमात्मा का साक्षात दर्शन जी। हाँ, कभी हुआ दर्शन साक्षात? बिल्कुल, साक्षात दर्शन हो रहा है, परमात्मा को दर्शन कर रहा हूँ, परमात्मा मुझे देख रहा है। अच्छा, जहाँ परमात्मा है, सतगुरु की दया है जी, वहाँ क्या दिक्कत है, आनंद ही आनंद हमेशा जी। बहुत इतनी छोटी कुटिया है कि महाराज जी खड़ा होना भी बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। परमात्मा ने जैसा जिसमें रखा है जी, रह रहा हूँ। अच्छा, आनंद मिल रहा है। जाहि विधि राखे राम, राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे, सीताराम 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 कहिए, बस यही रट है। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन ठाकुर जी और राधा रानी की कृपा से हो रहे हैं। वृंदावन की इस यात्रा में ऐसे सैकड़ों संत मिले, ऐसे सैकड़ों महात्मा मिले, त्यागी तपस्वी मिले, जिनकी साधना, जिनका त्याग, जिनकी तपस्या अद्भुत है, जिन्होंने पूरा का पूरा जीवन ठाकुर जी की भक्ति में, राधा रानी की भक्ति में और यमुना मैया की सेवा में समर्पित कर दिया। आज एक ऐसे ही महाराज जी का दर्शन, जिन्हें मैंने पहले कभी कुंभ के समय में दर्शन कराया था, आज फिर करा रहा हूँ, जो कूड़े के ढेर में थे और वहीं पर भक्ति कर रहे थे, वहीं पे भजन कीर्तन कर रहे थे। जब महाराज जी से मैंने सवाल किया कि महाराज जी थोड़ा बाहर आ जाइए और थोड़ा निकलकर किनारे आ जाइए, तो महाराज जी ने कहा कि यहीं सुख मिल रहा है, यहीं आनंद मिल रहा है, जितनी सुविधाओं में मैं बढ़ता चला जाऊँगा, जितने साधन में मैं बढ़ता चला जाऊँगा, मेरी भक्ति कम होती जाएगी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरे शरीर को कष्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे तकलीफ़ मिले, ऐसी ही साधना, ऐसी ही भक्ति करना चाहता हूँ। महाराज जी का आज दर्शन हो गया और कुटिया नज़र आ गई, तो महाराज जी की कुटिया का पावन दर्शन कराऊंगा और फिर महाराज जी से बातचीत कराऊंगा। महाराज जी का वही भावपूर्ण दर्शन, वही सहजता, वही सरलता आप सबको दिखाई देगी। मैं कुटिया के अंदर आप सबको लेके आ रहा हूँ, कितनी छोटी सी कुटिया, प्यारी सी कुटिया महाराज जी ने बना रखी है और यही कुटिया में रहकर महाराज जी पूरे समय रहते हैं। देखिए, आना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि हम कुटिया में अंदर सीधे कैसे आ पाएं, लेकिन महाराज जी यहीं पे रहते हैं। देखिए, महाराज जी का ये कंबल है, ये कमंडल है, महाराज जी ने मास्क भी लगा रखा है, मास्क भी यहाँ पर लगाते हैं। महाराज जी का ये कंबल और ये आसन, ये स्थान है, बहुत छोटी कुटिया है, इस कुटिया में ही महाराज जी भजन कीर्तन करते हैं। मैं फिर आपको याद दिलाता हूँ, महाराज जी का सवाल था जब मैंने बोला था कि महाराज जी यहाँ कष्ट हो रहा है आपको और ऐसे बैठे हैं, तो महाराज जी ने कहा, अरे महाराज जी ये बहुत आनंद है, इससे आनंद का भाव नहीं है। तो फिर महाराज जी का दर्शन, महाराज जी राधे राधे, राधे राधे। महाराज जी कुंभ के समय में आपका दर्शन हुआ था जी। हाँ, और एक कूड़े के ढेर में, पॉलीथीन के ढेर में आप बैठे हुए थे। हाँ, हाँ, जी, और जब मैंने कहा यहाँ से हट जाइए, एक अच्छे स्थान पे आइए, तो आपने कहा बड़ा आनंद आ रहा है। हाँ, हाँ, महाराज बड़ा आनंद आ रहा है जी। तो हाँ, कौन सा आनंद है कि जो वृंदावन आपको खींच के ले आया? आनंद तो यही परमात्मा की साक्षात्कार दर्शन है जी। हाँ, जो सर्वत्र व्यापक है परमात्मा, सब जगह के वासी है, सब जगह भरे परे पूरे हैं, भरे पूरे हैं। हाँ जी, तो यही दर्शन आनंद है जी, ये परमात्मा का साक्षात दर्शन जी। हाँ, कभी हुआ दर्शन साक्षात? बिल्कुल, साक्षात दर्शन हो रहा है, परमात्मा को दर्शन कर रहा हूँ, परमात्मा मुझे देख रहा है। अच्छा, सब कुछ संभाल रहा है, आपको देख रहे हैं, आपको संभाल रहे हैं। संभाल रहे हैं सब कुछ। हाँ, और भाव का सागर बह उठता है जब आपको देखते हैं। भाव का सागर क्या कहा जाए, उस समय की आनंद, इस समय की, हाँ जी, हाँ, इस समय की आनंद जो है, ये परमात्मा को पाने से है, पाने से है, पाने से है ये आनंद। हाँ, और जब परमात्मा का साक्षात्कार होता है, तो साक्षात्कार तो हमेशा है ही, है ही। हाँ, हमेशा है ही, ये परमात्मा तो कहीं जाते हैं ना आते हैं जी, जी, वर्तमान जी। बिल्कुल कायम है वर्तमान अभी। हाँ, हाँ जी, तब भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे ये परमात्मा।
अनादिकाल तक, अनादिकाल तक जी। हाँ तो ठंडी गर्मी बारिश सब यहीं पे महाराज जी रहते? हाँ बिल्कुल यहीं पे रहता हूँ। हाँ तो ठंड में तो बड़ी दिक्कत आई होगी? कोई दिक्कत नहीं, परमात्मा है सब जगह, दिक्कत कहाँ है जी। जहाँ परमात्मा है, सतगुरु की दया है जी, वहाँ क्या दिक्कत है, आनंद ही आनंद हमेशा जी, हमें आनंद ही आनंद है जी। हाँ। बहुत इतनी छोटी कुटिया है कि महाराज जी खड़ा होना भी बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। परमात्मा ने जैसा जिसमें रखा है जी, रह रहा हूँ। अच्छा। आनंद मिल रहा है। जाहि विधि राखे राम, राम चाहे विधि रहिए, जाहि विधि राखे, सीताराम 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 कहिए, बस यही जी रट है। हाँ। हाँ, मैं तो देख रहा हूँ आपकी आंखें छलक आई, आपके भाव जो है जैसे लग रहा है कि बस साक्षात ठाकुर जी और का दर्शन हो रहा है। परमात्मा है, साक्षात परमात्मा है जी। हाँ परमात्मा, ये परमात्मा हमेशा कायम रहने वाले हैं, कहीं जाते आते नहीं। जाते नहीं। हाँ हाँ हाँ, बस निर्मल मन और निर्मल भाव होना चाहिए। हाँ, बस 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 जी। हाँ तो प्रसाद और वो सब की कैसी व्यवस्था करते महाराज जी? सब परमात्मा करते हैं, हम क्या करूं। अच्छा, और हम लोग तो जीवन में कहते हैं कि हमने इतना कमा लिया, इतना मकान हमने कर लिए, गाड़ी कर लिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन ये नहीं सोचते करने वाला तो परमात्मा है। सब परमात्मा है, करने वाला कोई नहीं करता है कुछ, सब कुछ परमात्मा ही करते हैं जी। हाँ हम लोग आँख पर पट्टी बांध के बस कहते हैं कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। हाँ 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 जी, यही हम जो है अहम में बदल जाता है। हाँ यही यही अहंकार है जो हमने कर रहा हूँ, हम कर रहा हूँ। आदमी मानव कुछ नहीं कर रहा है, ये तो सब परमात्मा करते और करवाते हैं, करवाते हैं। हाँ जी, जिसको जैसे नचाना चाहते हैं नचाते। हाँ जिसको जैसा नचाना चाहते हैं नाचते हैं जी, जी, हाँ। जी। तो कई साल पहले आए थे वृंदावन महाराज जी? महाराज जी 1962 में, 1962 में, 62 में एक बार आया था। 12 बरस रह के सुदामा दास जी महाराज थे ही। अच्छा, उस समय सुदामा महाराज जी का दर्शन तो रहा होगा। आधा से अधिक उम्र उनका बीता था। अच्छा, आधा से अधिक उम्र उनका बीत गया था जी। और अपना तो छोटे ही थे उनसे जी। जी, छोटे थे। हाँ, हाँ, उनसे। हाँ, तो उनका भाव, उनका दर्शन कैसा रहता था? बहुत अच्छा है उनका, बहुत भाव निर्मल था, बहुत अच्छा। इतना बड़ा काम सुदामा महाराज जी ने किया, इतना बड़ा। हाँ, उस समय की आनंद और इसमें कुछ अंतर फर्क पड़ रहा है। बाबा जी थे, बाबा जी थे जी जी। हाँ, जी जी, उनकी त्याग, उनका साधना तो बहुत अनुपम। उनका अमोघ सब कुछ था जी। हाँ, जी जी जी, लकड़ी बीन बीन के अपने भक्तों के लिए आना और जो है प्रसाद बनाना, प्रसाद बनाना। हाँ, बड़े भाव से। हाँ हाँ, कंडा बीन करके लाते थे जी, मोटा में बांध के जी जी, और टीकर बना बना कर जैसे उस पर सेकते थे। हाँ, संतों को खिलाते, संतों को खिला, पकड़ पकड़ के लाते थे रोड पर, रोड पर से बुला बुला के, महाराज चलो हाथ जोड़ करके बुला बुला करके। हाँ, बुला बुला के लाते थे उस समय जी। महात्मा सब आते, प्रसाद को पाते और आनंद लेते जी। जी जी, भगवान आज तो मतलब वो संतों की सेवा का वो अद्भुत रूप जो है आपने देखा, देखा है, बिल्कुल देखा जी जी। आज वो नई पीढ़ी भी धन्य हो जा रही होगी जो सुदामा महाराज जी के बारे में सुन रही होगी जी जी जी। तो मतलब जहाँ भी संत जाते थे, जहाँ भी वो भक्त जाते थे, उन्हें पकड़ लेते थे और प्रसाद। हाँ, रोड पर घूमते हुए घूमते हुए महात्मा को बुला बुला करके लाते थे। हाँ, महाराज चलिए प्रसाद पाई। तो उनको ये लगता होगा कि वृंदावन में संत ऐसे कैसे भटके। हाँ, अच्छा, उस समय तो कुछ व्यवस्था भी बहुत नहीं रहती होगी संतों के प्रसाद के लिए और उसके लिए। हाँ, थोड़ा थोड़ा था व्यवस्था, सब कुछ। हाँ, थोड़ा थोड़ा सब कुछ व्यवस्था था जी जी। लेकिन संत सेवा के प्रति उनकी मतलब अब अद्भुत वो भाव था। क्या भाव था उनकी, सो तो वही जानते हैं, दूसरा कौन जानेगा उनके अंदर की भाव को? जी जी। और देखिए, छोटा सा काम किया उन्होंने और कितना बड़ा काम हो गया, कितनी बड़ी सेवा हो रही है। ये सब तो संत महात्माओं की दया है महाराज, सब सब सेवा की दया है, भगवान की सेवा, संत महात्माओं की सेवा।
सुदामा कुटी का नाम सुनते मन पवित्र भाव आ जाता है। कितना बड़ा सेवा का भाव चल रहा, अनवरत लगातार सब भक्त जन आते जाते रहते हैं, सब सेवा होती रहती है। बिल्कुल हाँ, सब कुछ होती रहती है। तो एक ऐसी शुरुआत महाराज जी ने की कि वो शुरुआत इतनी लंबी बढ़ती चली गई। हाँ जी हाँ। तो आपसे क्या कहते थे सुदामा महाराज जी? हाँ, सुदामा महाराज जी तो उनके तो आशीर्वाद हमारे लिए काफी बहुत था, तो था। दंडवत बजाते बंदगी आशीर्वाद देते बस। जी, हाँ। जी 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 दंडवत करते ही हाँ। बड़े भाव से निर्मल भाव से हाँ, निर्मल। कभी उनके साथ आटा गूथा है कि नहीं, आपने माड़ा है कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल, जो सो हाँ, सेवा भाव में जो सो बहुत कुछ किए हैं। अच्छा, भगवान के लिए हाँ। जी 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 हाँ, हाँ, लकड़ी अकड़ी आप भी लाए, इकट्ठा किया कि नहीं? हाँ महाराज करते थे, हाँ करते अच्छा, थे कुछ तो कुछ। क्या नाम लेके आपको बुलाते थे सुदामा महाराज? राम जीवन दास। राम जीवन दास, हाँ छोटा सा नाम राम जीवन दास। अच्छा अच्छा, तो कहकर पुकारते थे? पुकारते थे हाँ जी। तो उनके साथ भजन कीर्तन भाव भी होता था? हाँ बिल्कुल, भाव भी होता था वो तो जी। उनकी क्या कहा जाए, असीम जो सुदया उनकी, हम असीम दास के ऊपर। कभी कभी ऐसा भी हुआ महाराज जी कि जब मान लीजिए संतों के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पाई तो बड़े चिंतित दिखाई दिए सुदामा महाराज जी? उनके पास कोई चिंता ही नहीं था और अभाव किसी बात की भाई नहीं, नहीं हाँ, हाँ, हुई नहीं कभी। हाँ मन भाव से करते थे, हाँ करते थे सेवा। जी जी जी, किसी बात की दिक्कत नहीं रही उस समय। जी हाँ, जी, पहले थोड़ी थोड़ी सी रही, बाद में सब दौर में हाँ, 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 बाद में जो सो आते आते सब फैलता गया, विशालता पकड़ लिया सब पकड़ लिया। हाँ, अब तो क्या कहा जाए, अब तो अद्भुत है, अब तो सुदामा कुटिया तो एकदम जो है अद्भुत है। और देखिए अच्छी बात है कि उस परंपरा को बनाए रख रहे हैं, अभी भी चल रही है, अभी भी भक्तों का साधकों का संतों का सेवा होता जा रहा है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, ये भी आश्रम उन्ही आश्रम का है, देन है। हाँ, अच्छा अच्छा, प्रेमदास महाराज जो है वो बनाए हैं, बगल में जो सो रह रहा हूँ कई साल से, 3-4 साल से। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, तो महात्मा जी अभी नहीं है, वो जी, बाहर चले गए। जी 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 हाँ, अच्छा, तो एक बार आप ये ध्यान में रखिए, मैं दर्शकों से अपील कर रहा हूँ कि जो भी आते हैं वृंदावन आते हैं और सुदामा कुटी के पास से जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो वही सुदामा कुटी है जहाँ की सुदामा महाराज जी ने पहले शुरुआत की थी। लकड़ी लाकर और तमाम सामान लाकर इकट्ठा करते थे और संतों को दौड़ दौड़ कर पकड़ कर सेवा करते थे कि आओ महाराज जी प्रसाद पालो, आओ महाराज जी प्रसाद पालो, ऐसा भाव लेकर दौड़े और ऐसा भाव लेकर दौड़े कि आज सुदामा कुटी देखिए कैसे भाव से सेवा कर रही है, कैसे भक्तों का साधकों का सेवा कर रही है महाराज जी। जी, ये भाव जो है ऐसा भाव बन गया कि भाव की धारा जो है हाँ, एक निर्मल धारा, पवित्र धारा बन हाँ, गई। हाँ, हाँ, बिल्कुल, ये जी। तो आज तो मेरा धन्य हो गया, मैंने कई बार आपसे बातचीत की लेकिन ये बात जो निकल कर आई हाँ, कि सुदामा कुटी जी, सुदामा महाराज जी के साथ आपका सानिध्य हुआ, वो बहुत निर्मल भाव है। हाँ, हाँ, महाराज ये बहुत निर्मल भाव। जी जी, तो अब जो है बस वृंदावन में रहना और वृंदावन में जी भजन कीर्तन और भाव करना, 1962 से अब नहीं जाना? नहीं, कहीं उस सब से गए नहीं, कहीं गए नहीं, मन ही नहीं रचा बसा, कहाँ जाऊँ अब यहाँ इसको छोड़ करके। जी, ऐसे जगह को छोड़ करके अब कहाँ जाऊँ संसार में। जी जी हाँ। लेकिन ये देखिए ना, छोटी सी कुटिया है, धूप भी आ रही है, गर्मी के टाइम पे बहुत दिक्कत होगी, ठंडी में दिक्कत रही होगी, तब भी आपको आनंद आ रहा है? आनंद आ रहा है, आनंद ही आनंद है यहाँ, आनंद ही आनंद है। अच्छा, यहाँ आनंद की कमी नहीं है, आनंद की कमी नहीं है। और लोग तो बड़े बड़े महलों में भी सोचते हैं कि और चीजें आती जाएं, आपकी छोटी सी कुटिया में छोटा सा सामान है, वो तो अपना जाने जी वो सोचने वाले वो अपना जाने, किसी अपना के हाँ, किसी के मन की भाव को दूसरा कैसे जाने, जी, नहीं जान। जी जी जी, हाँ। देखिए ना कितने भक्ति का ये स्वरूप जो है, मैं आप सबको जो दर्शन कराता हूँ या आप सब तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, तो मेरा सिर्फ मेरी कोशिश, मेरा प्रयास यही है कि हम और आप समझने की कोशिश करें।
इससे बढ़िया भक्ति का स्वरूप कहाँ दिखाई देगा। बहुत छोटी कुटिया है, खड़े होने की भी यहाँ पर स्थिति नहीं। अगर महाराज जी खड़े हो जाएं तो यहाँ पर जो ऊपर सब लगा हुआ है त्रिपाल और टेंट जो है कंबल है वो छू जाएगा, लेकिन उसके बावजूद महाराज जी कह रहे हैं कि आनंद ही आनंद है। हम कितना जीवन में दौड़ भाग करते हैं, हम कितना जीवन में छल कपट प्रपंच करते हैं आनंद के लिए, यानी सब कुछ एकत्र करने के लिए, गाड़ी घर बंगला मकान सब कुछ इकट्ठा करते हैं, और हम सोचते हैं सच्चा आनंद वहाँ पर है, लेकिन वास्तव में सच्चा मन सच्चा आनंद भक्ति में है, भक्ति के निर्मल मन में है, भक्ति के निर्मल भाव में है, और यही आनंद लेकर महाराज जी देखिए आनंद के सागर में डूबे हुए हैं। हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो ऐसे महाराज जी को सत्सत बंधन, ऐसे महाराज जी को सत्सत दमन, और आप सब भी वही सनातन धर्म सनातन संस्कृति से जुड़िए और आनंद के उस सागर में कि जैसा जितना मिले उसमें सुखी रहिए, अपने परिवार में अपने घर में बहुत अच्छे से रहिए, किसी के साथ अपराध मत करिए, किसी के साथ कपट मत करिए, किसी के साथ छल मत करिए, और बहुत आनंद के साथ आप जीवन व्यतीत करिए। महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत वंदन। महाराज जी के साथ जिन्होंने अपना सेवा दी, सुदामा महाराज जी के साथ जिन्होंने अपना समय व्यतीत किया, आज ऐसे महाराज जी का दर्शन हुआ। मैंने कई बार बातचीत की लेकिन मुझे नहीं पता चल पाया, लेकिन आज भाव ऐसा हुआ कि महाराज जी ने जो है बता दिया, और ये हमारे लिए जीवन में बहुत बहुत सौभाग्य है कि ऐसे महाराज जी का फिर दर्शन हुआ, भावपूर्ण दर्शन हुआ। बहुत बहुत चरणों में वंदन, बहुत बहुत नमन। Yeah.